वक्त है 1678 का। इस वक्त राजा जसवंत सिंह राठौर मारवाड़ के राजा थे। राजा जसवंत सिंह राठौर की मौत हो गई। इस वक्त इनका कोई भी बेटा दुनिया में मौजूद नहीं था। इस वक्त राजा जसवंत सिंह की दो बीवियां, दो रानियां लाहौर में किले में थीं और दोनों के पेट में बच्चा पल रहा था। और आखिरकार 19 फरवरी 1679 को दोनों रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। एक रानी ने बेटे का नाम अजीत सिंह रखा और दूसरी ने बेटे का नाम दिलभंजन सिंह रखा। औरंगज़ेब ने मेहमान नवाजी के तौर पर दोनों रानियों को दिल्ली के लाल किले में बुलवाया। कुछ देर लाल किले में रुकने के बाद जब रानियों ने वापस जाने का सोचा, औरंगज़ेब ने इनके जाने पर यह शर्त रखी कि अजीत सिंह को इनके पास रहने दिया जाए, तो वो इस बात पर हैरान हुई। औरंगज़ेब अजीत सिंह को इसलिए पास रखना चाहता था ताकि राठौर सरदारों का मारवाड़ पे कोई राजा ना रहे और वो मारवाड़ पे कब्जा करे। औरंगज़ेब ने रानियों को मारवाड़ वापस तो ना भेजा, लेकिन वहीं दिल्ली में ठाकुर रऊफ सिंह की हवेली में भिजवा दिया और वो रानियां वहीं रहने लगीं। और इधर मारवाड़ की राजधानी दुर्गादास राठौर बाकी सरदारों के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों रानियां वापस आएंगी और इनमें से एक के बेटे को राजा बना दिया जाएगा। इसलिए दुर्गादास राठौर 300 सिपाहियों के साथ जोधपुर से दिल्ली चले गए और वहां जाके कहा, हमें रानियां और बेटे वापस कर दो। औरंगज़ेब ने एक शर्त रखी कि अजीत सिंह को मुसलमान बनाया जाए। दुर्गादास राठौर को ये बात बहुत अजीब लगी। औरंगज़ेब ये चाहता था कि अजीत सिंह मुसलमान हो गया तो वो इसकी बात मानेगा और मारवाड़ में वही होगा जो औरंगज़ेब चाहेगा। औरंगज़ेब मारवाड़ को कंट्रोल कर सकेगा। दुर्गादास राठौर को पता था कि अगर इस वक्त औरंगज़ेब से लड़ाई की तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इनके सिर्फ 300 सिपाही थे और वो दिल्ली के किले में थे जहाँ लाखों मुग़लों की फ़ौज थी। उन्होंने बाकी सरदारों से बोला कि मारवाड़ वापस चलो। औरंगज़ेब को यही लगा कि राजपूत सरदार हिम्मत हार चुके हैं और वो अजीत सिंह को वापस नहीं मांगेंगे। दुर्गादास राठौर ने औरंगज़ेब को चैलेंज किया कि वो अजीत सिंह को यहाँ से लेकर जाएंगे और मारवाड़ की गद्दी पर अगला राजा राठौर ही बैठेगा। औरंगज़ेब ने मजाक उड़ाया कि ये क्या कर सकते हैं। और वहाँ ठाकुर रऊफ सिंह की हवेली में दोनों रानियाँ अपनी गोद में बच्चों को उठाए हवेली की छत से बाहर आम लोगों को देख रही थीं। इस वक्त वहाँ एक सपेरा आया। इस सपेरे के पास दो बड़े कटारे थे। इसने दोनों कटारों में से बड़े बड़े सांप निकाले और लोगों को सांपों के करतब दिखाने लगा। बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। दोनों रानियों का दिल चाहा कि वो भी इसके पास जाकर करतब देख सकें। दोनों रानियां इसके पास पहुंच गईं। कुछ ही देर बाद वो सपेरा एक रानी के पास आया और धीरे से कुछ बोला। इसके बाद दोनों रानियां वापस हवेली में चली गईं और कुछ देर बाद हवेली से दो मर्द निकले जिन्होंने हाथों में एक एक बच्चा उठाया हुआ था। वो दोनों इस सपेरे के साथ चले गए और कुछ आगे चलकर रानियों को पता चला कि वहाँ 100 सिपाही और भी मौजूद हैं। वो सपेरा गोवंददास राठौर था जो दुर्गादास राठौर का ही साथी था। ये दुर्गादास राठौर का ही प्लान था कि रानियों को किसी तरह से वहाँ से निकाला जाए और वो मर्द रानियाँ ही थीं और वो जो बच्चे उनके हाथ में थे वो उन्हीं के बच्चे थे। अब गोवंददास राठौर 100 राजपूतों के काफिले के साथ दोनों रानियों और बच्चों को लेकर मारवाड़ की तरफ निकल पड़े। इनके साथ और भी सरदार थे, मुकुंद दास खींची जो कि चौहान राजपूत थे और मोकम सिंह चंदावत जो कि एक राठौर राजपूत थे। औरंगज़ेब ने ठाकुर रऊफ सिंह की हवेली के बाहर अपने जासूस बिठाए हुए थे ताकि उसे पल पल की खबर मिल सके। उसे खबर मिल गई कि वहाँ रानियाँ और बच्चे गायब हैं। औरंगज़ेब ने एक अफवाह फैला दी कि वो जिस अजीत सिंह को ले गए हैं वो नकली अजीत सिंह है, असली अजीत सिंह उसके पास है। औरंगज़ेब का ये ऐलान दुर्गादास राठौर तक पहुंच गया। दुर्गादास राठौर पहले तो बहुत परेशान हुए, फिर उन्होंने सोचा कि अगर वाकई वो नकली अजीत सिंह होता तो वो ऐलान क्यों करता। अगर वो नकली अजीत सिंह होता तो औरंगज़ेब को कोई फ़र्क ना पड़ता और ना उसको गुस्सा आता। वो समझ गए कि औरंगज़ेब
राजपूतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से उसने ये अफवाह फैलाई है। इसके बाद औरंगज़ेब ने अपने सिपा सलार फौलाद खान को 10,000 मुगलों की फ़ौज लेकर ठाकुरूफ सिंह की हवेली पर हमला करने के लिए बोल दिया और वहां इनका मुकाबला करने के लिए एक राजपूत सरदार थे जिनका नाम रघुनाथ भाटी था और इनके साथ 100 राजपूत सिपाही थे। रघुनाथ भाटी बहुत हिम्मत और बहुत दलेरी से इनका मुकाबला करते रहे और कई घंटों तक 100 सिपाहियों ने 10,000 मुगलों की फ़ौज का मुकाबला किया और बिलाखिर बहुत बहादुरी के साथ मुकाबले में लड़ते लड़ते 100 राजपूत सिपाही और रघुनाथ भाटी शहीद हो गए। रघुनाथ भाटी ने मुगलों का काफ़ी वक्त ज़ाया करवा दिया था और इतने में गोवन दास दोनों रानियों को लेकर दिल्ली से काफ़ी दूर जा चुके थे। फौलाद खान ने अपनी बची हुई फ़ौज के साथ इनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से बाहर निकला इसका मुकाबला रणछोड़ राठौर के साथ हुआ। जब औरंगज़ेब से राजपूत सरदार बोल रहे थे कि वो वापस जा रहे हैं तब वो दुर्गादास राठौर के कहने पर दिल्ली और जोधपुर के रास्ते में पड़ने वाले मुख्तलिफ मोर्चों को संभाल रहे थे। इस तरह दिल्ली और जोधपुर के रास्ते में पड़ने वाले मुख्तलिफ मोर्चों पर राजपूत सरदार 10-15 सिपाहियों के साथ मौजूद थे और इनका मकसद एक ही था, किसी तरह मुग़लों का वक्त ज़ाया किया जाए। और इन्हें गोवन दास राठौर, मुकुंद दास खींची और मुकुम सिंह चंदावत और रानियों के काफ़िले से मिलने से रोका जाए। मोर्चों में मौजूद सरदारों को मालूम था कि इन्हें मरना ही है क्योंकि वो सिर्फ 10-15 लोग थे और मुग़लों की फ़ौज 10,000 थी। पहले रघुनाथ भाटी मारे जा चुके थे, इसी तरह रणछोड़ दास ने भी इनका वक्त ज़ाया किया और इस तरह करते करते मुग़लों की तादाद भी कम पड़ती गई और राजपूत भी ख़त्म होते गए। अब सिर्फ 9 राजपूत बाकी रह गए थे। फौलाद खान की 5,000 से भी कम फौज रह गई थी और वो 5,000 सिपाहियों के साथ 9 राजपूतों के पीछे भाग रहा था। बिल आखिर वो 9 राजपूतों के करीब पहुंच गया। वहीं राजपूतों और मुग़लों के दरमियान इस जंग में दिलबंजन सिंह, जो के जसवंत सिंह राठौर के बेटे और अजीत सिंह के भाई थे जिनकी उम्र सिर्फ 5 महीने थी, वो मुग़लों के हाथों मारा गया। इससे पहले कि मुग़ल कोई और जानी नुकसान करते, फौलाद खान की गर्दन में तीर लगा और ज़मीन पर गिर गया। इसको मरता देख बाकी मुग़ल भाग गए। राजपूतों ने इधर उधर देखा, आखिर कौन है जिसने फौलाद खान को मारा, तो इन्हें घोड़े पर दौड़ता हुआ एक इंसान दिखाई दिया और वो इंसान कोई और नहीं, खुद दुर्गादास राठौर थे। इसके बाद दुर्गादास राठौर ने दोनों रानियों को जोधपुर भिजवा दिया और अजीत सिंह को लेकर एक दाई माँ के घर छोड़ दिया। लेकिन मुग़लों को इस जगह का पता चला कि अजीत सिंह किस जगह पर है, तो उन्होंने वहाँ अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी। ऐसे में दुर्गादास राठौर इन्हें वहाँ से लेकर मारवाड़ के शहर सरोही के एक गांव में जयदेव ब्राह्मण के घर छोड़ आए। लेकिन एहतियात के लिए मुकुंद दास खींची अपना भेष बदल कर जयदेव ब्राह्मण के घर चक्कर लगाते रहते ताकि पता चलता रहे कि अजीत सिंह की परवरिश ठीक से हो रही है और मुग़लों को इस जगह का पता तो नहीं चला। जब राठौरों को इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने देखा तो उन्होंने दुर्गादास राठौर को ख़त लिखा और इनसे बोला कि वो अजीत सिंह और इनकी माँ दोनों को मारवाड़ से मेवाड़ ले आएं। दुर्गादास इनके कहने पर अजीत सिंह और उसकी माँ को उदयपुर ले आए। राणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौर को केलवा नामी जगह बतौर जागीर दे दी। वहाँ दुर्गादास राठौर अजीत सिंह के साथ रहने लगे। इस तरह दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को मुग़लों से छुड़वा लिया। ये मुग़लों और राजपूतों के दरमियान लड़ाई जो 28 मई 1679 को शुरू हुई थी, 40 साल बाद 25 फरवरी 1719 को इस वक्त ख़त्म हुई जब अजीत सिंह राठौर के हाथों मुग़ल बादशाह फारूक शाह मारा गया। तो ये था दुर्गादास राठौर की ज़िंदगी के किस्सों में से एक किस्सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही स्टोरीज़, ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाते रहें तो इस चैनल पाकिस्तानी राजपूतानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।